मैंने कर दिया लाइव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों के लिए और आप सभी लोगों का। जैसे हमारी सीरीज चल रही है सेफ सॉफ वेबिनार बाय लीजेंड्स, एक बार फिर से आज सुबह 11 बजे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे इंडिया से लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ना शुरू हो गए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस मौके पर प्रोग्राम को शुरू करते हुए बहुत ही हर्ष के साथ में मैं अपने सभी डायरेक्टर्स, ऑनरेबल डायरेक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं कि वो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। और साथ ही मैं अपने सभी सीनियर और लीजेंड्स, क्राउन एम्बेसडर्स, अनमोल रत्न सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार। और इस तरह का एक रिदम बना हुआ है, इस तरह का बहुत एक अच्छी जानकारी हमारे सारे लोग ले रहे हैं और ये कंटिन्यू हमारा ये सेट्स ऑफ वेबिनार, बुधवार का वेबिनार ठीक 11 बजे शुरू होता है। और एक बार फिर दोबारा से हम लोग आप सभी लोगों के साथ में मौजूद हैं और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। आज का प्रोग्राम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। आज का प्रोग्राम एक बहुत जरूरी जानकारी हमको मिलने वाली है। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट पे आधारित है और जब तक हमें प्रोडक्ट की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, जब तक हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रखते, तब तक बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आज का प्रोग्राम हमारा प्रोडक्ट की जानकारी के लिए होगा। आज का प्रोग्राम हमारा प्रोडक्ट की एक एक चीज हमको बताई जाएगी और आज इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ में हाउमा डिविनिटी हेल्थ केयर की तरफ से भुवन भास्कर जी मौजूद हैं जो इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हैं और वह उन्होंने ही हमें ये सारे प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। एक एक चीज की बहुत अच्छे से हमको जानकारी है, नॉलेज रखते हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही गजब का और बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमको आनंद आने वाला है। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा प्रोग्राम बहुत ही एकाग्रचित एकांत में बैठ करके आप सुनिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद, आज की जानकारी लेने के बाद, आज की बहुत ही डीपली नॉलेज लेने के बाद हमारा बिजनेस बहुत कुछ रफ्तार पकड़ने वाला है, बहुत कुछ आगे बढ़ने वाला है। तो आज प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है और इस जानकारी को देने के लिए भुवन भास्कर जी हमारे बीच में मौजूद है। मेरा सौभाग्य है कि आज उनको पैनल पर मुझे इन्वाइट करने का, उनको बुलाने का मुझे मौका मिला है और मैं बिना देरी किए हुए और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके मैं जरूर उनको पैनल पे इनवाइट करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा और हमें वो गाइड करें, हमें वो जानकारी दें। आज वो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, उन्हीं के माध्यम से सारी जानकारी हमको मिलने वाली है। सो चाहेंगे हम लोग के भुवन भास्कर जी का बहुत बहुत स्वागत और वो हमको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दें, गाइड करें। सो थैंक यू, प्लीज वेलकम भुवन भास्कर जी। बहुत बहुत स्वागत है भुवन भास्कर जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। नमस्कार डायरेक्टर्स, सब लीडर्स, मुझे इस पैनल में रखने के लिए और यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ आने के लिए और आप लोगों के बीच में बैठ के मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस परेशान की स्थिति में जब आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक बहुत गलत समय से निकल रही है, स्टिल हम लोग इस टेक्नोलॉजी के जरिए, हम लोग नई नई तरीकों के जरिए हम जुड़ के और आप लोगों तक नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, नई नई चीजों तक पहुंचा रहे हैं आप तक, और आप लोग उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके हमारे को और आगे जाने का मौका दे रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सब प्रोडक्ट्स को इतने ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है और आज का जो काल चल रहा है उस समय में इन प्रोडक्ट्स को माध्यम दिया है, इन प्रोडक्ट्स को मीनिंग बनाया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज हम थोड़ा टाइम देंगे एक जो पूरी दुनिया में काल चल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कोरोना का काल। इस कोरोना के काल में आज जो भी कार्य चल रहा है उसको बहुत ही दुख भर मन से मेरे को लग रहा है, जैसे कि ये नहीं होना चाहिए बट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक मन में एक भावना है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उसको ठीक करने के लिए भी एक वर्ड को बहुत यूज किया जा रहा है जो कि है इम्यूनिटी। आज हम बात करेंगे हमारे जो ह्यूमा के प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी बेस्ड, उनको डिस्क्राइब किया जाएगा, वो कैसे काम करते हैं,
किस तरह काम किया जाता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी कैसे डेवलपमेंट होती है और नेचुरल वे में आप हर चीज से कैसे लड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आज नहीं, आज थोड़े से हम प्रोडक्ट्स से शुरुआत करेंगे एंड इसको शुरुआत करते हुए हम स्लाइड्स पे इस पे शेयर करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ह्योमा की जितनी टोटल रेंज है वो आप लोगों के आगे है एंड इस रेंज को स्लोली स्लोली हम बढ़ा भी रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं और आप लोग जिस तरह से इसको प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। शुरुआत करते हैं आज का हमारा जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की समस्याएं क्या हैं, आज जो हमारे काल में चल रही हैं, जिससे हमें लड़ना है और कैसे लड़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन, टॉक्सिन, वो आभार, वो चीजें जो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को खराब करती हैं। पोल्यूशन, हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही पोल्यूशन से भरा हुआ देश बोला गया है। आज दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी बोल दी गई है, बट इसको हमारे को ठीक करने के लिए क्या करना है उसके बारे आज डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करते हैं, आगे बताते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन हैं, ये जो चीजें हैं जो हमारे शरीर में खराब कर रही हैं, उससे हमारी शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बात करते हैं एक्ने, एक्ने बोलते हैं मुंह में स्किन की प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी कम, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज। विटिल्गो, ये आप देख सकते हैं विटिल्गो, एक शरीर के ऊपर दाग धब्बे बनना शुरू हो जाता है। एजीमा, अगेन शरीर की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सोरेसिस बहुत एक खतरनाक बीमारी है जो कि पोल्यूशन से मेजरली होती है और इम्यूनिटी कम होने से होती है। तो ये कुछ चीजें हैं, आगे बात करते हैं। डायरिया, आपका स्टमक, जिसको बोला जाता है कि 80% आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपके गट से, स्टमक से मिलती है। यहाँ पे आपका जो गट है उसमें 80% इम्यूनिटी वहां से आपकी पैदा होती है, उसको डायरिया, लिवर में स्पॉट्स होना, फाउल परस्पिरेशन, जो आपकी गंदी गैस निकलती है वो भी बहुत एक गलत चीज है, वो नहीं होना चाहिए। मुंह से गंदी बदबू आना, वो भी एक, ये सब जो है वो हमारे शरीर की कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं उसको दिखाती हैं। लिवर की कमी, लिवर में प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पोल्यूशन या टॉक्सिन से हमारे को होती है। बट क्या ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है? जी हाँ, ये सोल्यूशन आप लोगों के पास है और आप इसे बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। बात करते हैं कि ये जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी क्लींजिंग, बॉडी को क्लीन करना है और स्वस्थ बनाना है। एक स्वस्थ मेंटल स्वच्छता हमें मिलेगी भगवत गीता और हनुमान चालीसा पढ़ के, वो हमें मेंटली पीसफुल देगी। फिजिकली हमें ह्योमा के प्रोडक्ट्स देंगे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का तालमेल और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो ही हमारी जीत है। तो सोल्यूशन इस चीज का क्या है? इसको सोल्यूशन है कि हमारी बॉडी को हमने डिटॉक्सीफाई करना है, बॉडी में से वो कण निकालने हैं जो कि हमारे को नहीं जरूरत, जो चीजें हमारी बॉडी को खराब कर रही हैं उनको खत्म करके उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना है फिजिकली, एंड भगवत गीता और हमारा हनुमान चालीसा पढ़ के सुन के हमारे को मेंटली पीस एंड मेंटली स्ट्रेंथ मिलनी है। सो दिस इज द सोल्यूशन जो जिसके बारे आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, सो पहला प्रोडक्ट कहते हैं कोकम विद अश्वगंधा में मिक्सचर किया हुआ एक नोनी जूस। नोनी दोस्तों एक फ्रूट होता है, ये फ्रूट ज्यादातर जो कोस्टल एरियाज हैं, जहाँ जिसको हम बोल देते हैं कि जहाँ पे नजदीक में नदी हो या कुछ पानी का एक वाटर बॉडी हो, उसके नजदीक में ये बहुत अच्छे से पाया जाता है। ये जो प्रोडक्ट हम डिविनिटी हेल्थ केयर फीजी से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब क्यों फीजी, यूएसए से क्यों नहीं, इंग्लैंड से क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये फीजी का फ्रूट है, ये फीजी में जो इसके गुण, जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फीजी के प्रोडक्ट में, फीजी के फ्रूट में पाया जाता है, वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। और हम बहुत शान से बोलते हैं कि ये जो नोनी जूस है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, जो जूस है उसका जो बेस है, पूरा जूस नहीं बट जो बेस है, वो हम फीजी से इम्पोर्ट करते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं, शायद आप लोगों को अभी तक ये चीज नहीं आई गया होगा। दूसरी बात करते हैं कि इसमें है कोकम। कोकम गोवा में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने है, पूरा इंडिया देख रहा है आज,
कोस्टल एरियाज में भी कोकम पाया जाता है, जिसको हम एक बायोलॉजिकल या साइंटिफिक टर्म में गार्सिनिया इंडिका बोलते हैं। इस कोकम को बहुत खाया, एज ए फ्रूट, एज ए वेजिटेबल बहुत जगह खाया जाता है। इसका बहुत फायदा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड जो मेजर है अश्वगंधा, अश्वगंधा कौन नहीं जानता, हिंदुस्तान आयुर्वेद की जो मेन जड़ है वो अश्वगंधा को माना गया, और अश्वगंधा की जो जड़ है वो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड हमारे को बॉडी को एक स्ट्रक्चरिंग देता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये तीन प्रोडक्ट्स, नोनी, कोकम, अश्वगंधा, ये तीन हर्बल, चमत्कारी अद्भुत हर्बल प्रोडक्ट से मिलवा कर एक चीज प्रोडक्ट बना है, जिसको हम बोला है ह्योमा प्रीमियम नोनी जूस। तो ह्योमा प्रीमियम नोनी जूस को आगे एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। अश्वगंधा सब जानते हैं, एंड इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है हमारा रूट, जो हम रूट है। अब देखिए, हर इंसान की मेरे में कुछ कमी है और मेरे में कुछ अच्छाई है, तो हमने उसी तरह अश्वगंधा की रूट जो कि उसकी अच्छाई है, उसमें से जो इंग्रेडिएंट निकाल के उसको आप लोगों तक पहुंचाया है, तो उसकी मैक्सिमम जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो पोटेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी रूट्स में है। तो वो रूट्स में से हमने निकाल के जूस में क्रिएट करके आप लोगों में नोनी और कोकम के साथ मिला के आपको दिया है। दोस्तों अश्वगंधा बहुत चीजों के लिए फायदेमंद है, बट उसके कुछ फायदे हम पढ़ सकते हैं, जैसे अर्थराइटिस जो कि जोड़ों का दर्द बोलते हैं, एंजाइटी जो कि मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं, स्लीपिंग ट्रबल, ट्रबल स्लीपिंग का मतलब इंसोम्निया, कभी रात को नींद ना आना, इधर उधर भटकना, फोन देखना, वो सब जो है वो एक बीमारी है। नींद ना आना एक बहुत बड़ी बीमारी है दोस्तों, ये चीज बहुत सीरियस इशू है। ट्यूमर जो कि आज भगवान ना करे कभी किसी को हो, बट स्टिल एक दुनिया में ट्यूमर जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं, उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, अस्थमा, हमारे लंग से जुड़ी हुई डिजीज, स्किन कंडीशंस जैसे कि हमने शुरुआत में आपको फोटो शेयर की थी, सरोसिस, देन ल्यूकीमिया जो पैचेस बन जाते हैं हमारे हाथों में, बॉडी में, तो उन सब से ये लड़ने में सक्षम है अश्वगंधा, नोनी एंड कोकम का हमारा जो मिक्सचर है। आगे बात करते हैं, लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ठीक करने में और उसको रिलीव करने में ये हेल्प करता है। हिकअप्स जिसको बोलते हैं, हिचकी लगनी, और कई कई लोगों को हिचकी लगती है और बंद नहीं होती, उसको है। लिवर क्रॉनिक, एकदम बहुत अद्भुत और एकदम जब एक्सट्रीम क्रॉनिक डिजीज जो लिवर की हो जाती है, उसको ये प्रिवेंट करने में हेल्प करती है दोस्तों। दोस्तों ह्योमा नोनी जूस इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन टू मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस, ये हम बहुत गर्व से और बहुत ठोक के बोलते हैं, क्योंकि ये जो जूस है, जो आपके हाथ में जूस है, जो आप यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्थ कंडीशंस को बंद करके, खत्म करके आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाता है। एंड जैसे हमने अभी बताया, इसमें कोकम और अश्वगंधा का हमने मिक्सचर किया है, तो ये नोनी प्रीमियम नोनी जूस जो है वो मिक्सचर है नोनी, अश्वगंधा एंड कोकम। तो ये बहुत, तीनों बहुत ही ज्यादा अद्भुत और तीनों बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, जो कि हमारे को जरूरत होती हैं और जो हमें जरूरत होने पे एकदम ठीक करती हैं। दोस्तों ये तीन लोगोस हमने इसमें अटैच किए हैं। सबसे पहला लोगो है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ये प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है। नंबर वन, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से ये हमने अप्रूवल लेके प्रोडक्ट बनाया है, मतलब ये हम लीगली कर रहे हैं काम, एकदम हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी नॉलेज में रखते हुए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। नंबर दूसरा, इसको हमने जो दूसरा लोगो डाला है, शुगर फ्री है। अब दोस्तों शुगर फ्री का प्रभाव क्यों है, क्योंकि हमारे परिवार में और इंडिया में मैं बोलना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दो बहुत 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 कॉमन चीजें हैं, और ये दोनों में शुगर की कंजम्पशन को कम करने को डॉक्टर सलाह देते हैं। इस सलाह के चक्कर में क्या है कि हम शुगर फ्री जो प्रोडक्ट बनाने में सक्षम हुए हैं, और इतना शुगर फ्री होते हुए इतना बेहतरीन टेस्ट डेवलप करने में मैं अपनी टीम, जो हमारी यूनिट पे जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नंबर तीसरी बात, हमारी जो फैसिलिटी है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं, वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस,
ये एक सर्टिफिकेट है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है कि जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको प्रोडक्शन करते हैं, फाइनल टेस्टिंग करके वो प्रोडक्ट आप लोगों को भेजते हैं, वो सारी जो चीजें हैं, वो लोग वो सारी चीजें हम गाइडलाइन फॉलो करके करते हैं। तो तीन बहुत मेजर जो लोगोज हैं उसको मैंने समझाना जरूर समझा था, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को आगे बताने में और कारगर रहेंगी, हेल्प करेंगी। दोस्तों ये एक छोटा सा हमारा स्लाइड है जिसमें हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि जो नोनी प्रीमियम सिरप है ये 100% आयुर्वेदिक है, इसमें नोनी फ्रूट के साथ साथ अश्वगंधा एंड कोकम है। फायदे क्या क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट, दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की परिभाषा मैंने आपको समझानी है, क्योंकि यही चीज है जो कि आज हमें कैंसर से, लिवर डिजीज से, आज का सबसे जो बड़ा टॉपिक कोरोना से, इन सब चीजों से बचाने में, हमारी बॉडी को लड़ने में इन सब चीजों को हेल्प करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इस जूस में सबसे ज्यादा है। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है ये प्रोडक्ट, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस से हमें दूर करता है। तो ये सारी चीजें हैं नोनी प्रीमियम जूस में। दोस्तों थोड़ा लॉजिकली एंड साइंटिफिकली अगर बात करेंगे तो आप ये प्रोडक्ट को समझिए। नोनी जूस जो हम फिजी से मंगाते हैं, फिजी से मंगाने का रीजन एक ही है, क्योंकि जो नोनी फ्रूट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फ्रूट जिसको ग्रीन कलर का दिखाया गया, ये नोनी जूस है। ये जो नोनी जूस है इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मैंने आपको बोला है कि हर बंदे में, हर चीज में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। नोनी जूस की अच्छाई, उसको बोलते हैं हम प्रोजेरोनीन। प्रोजेरोनीन ये आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोजेरोनीन जो है हमारी शरीर में जब जाता है, जब आप नोनी जूस पीते हैं, प्रोजेरोनीन हमारे शरीर में गया, वो प्रोजेरोनीन जब हमारे लिवर में पहुंचता है, जहां पे वो अपना काम शुरू करता है लिवर में पहुंच के, उस प्रोजेरोनीन के लिवर में पहुंचने के बाद वो कन्वर्ट करता है अपने आप को जेरोनीन में, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है। प्रोजेरोनीन ब्लड सेल में आप कन्वर्ट होके लिवर में जाके, वो ब्लड जब ब्लड्स में जाता है तब वो जाता है जेरोनीन के फॉर्म में। और जो जेरोनीन है हमारे शरीर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन, प्रोटीन जो हमारी बॉडी बनाती है उसको सफल करता है, डेड प्रोटीन बॉडी जो में जो होती है या इनएक्टिव प्रोटीन होता है उसको एक्टिव करता है, हमारे स्किन, हेयर, नेल, ये चार तीन चीजें जो बहुत हमारी इंपॉर्टेंट ब्यूटिफिकेशन को डिफाइन करता है, प्रोटीन उसको डिफाइन करता है और अच्छा करता है। एंड सबसे अच्छी बात है ये हमारे गट को, जो कोकम है इसके अंदर, वो हमारे गट को, हमारा जो पेट जिसको हम बोलते हैं, उस पेट वाल पेट को वो क्लियर करने में हेल्प करता है। 80% इम्यूनिटी हमारी पेट से है, हमारे गट से है, तो इस चीज को हमने नहीं भूलना दोस्तों। आगे चलते हैं, कोकम जो है उसको हम मलाबार टर्मरिक भी बोलते हैं, एंड ये हम बहुत इंडिया में बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नोनी में प्रोजेरोनीन है, प्रोजेरोनीन जेरोनीन में कन्वर्ट होता है और जेरोनीन जो है वो आगे जाके हमारे शरीर में काम करता है, ये इस स्लाइड का मतलब है। बात करते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या है। दोस्तों ये आप लोगों का इतना नहीं है, बट क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसलिए हमने इसको डालना जरूरी समझा है। सबसे पहला प्रोजेरोनीन एंड प्रोजेरोनेस जो कि एंजाइम है वो इसमें पाया जाता है, स्कोपोलेक्टिन जिसको बोलते हैं वो इसमें पाया जाता है, एंथ्राक्विनोन क्यूनीन का फॉर्म होता है, ये बहुत ही शरीर में जाके बेहतरीन काम करता है, वो इसमें पाया जाता है, डेमनाकैंथिल इसमें पाया जाता है, टर्पीन है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है और रिच इन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स, जो हमारे शरीर को फाइबर की नेसेसिटी है वो इसमें पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज जो हमारी नोनी जूस है वो एक इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर है, पावर हाउस है, आपको शरीर को बचाता है। हमने एक डेमो किया था एक शो में जिसमें हमने नोनी जूस से बल्ब को जला के दिखाया था कि उसके अंदर जो आयंस है, आयन एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो कितनी प्यारी है कि उसने एक बल्ब को जलाया था। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट भी हम कभी आपसे शेयर करना पसंद करेंगे। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर, ये जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्ट करता है, प्रोटीन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है,
बीपी को रेगुलेट करता है, सेट करता है, एंड आपका जो स्लीप साइकिल है उसको सेटिंग में लेकर आता है, आपका जो भूख और टेम्परेचर है उसकी सेटिंग करता है बॉडी की, आपके पेट में या आपके शरीर में जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया कॉज करते हैं उससे बचाता है आपको, सबसे मेजर कैंसर के जो सेल्स हैं उसको तोड़ता है। अब एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि कैंसर सेल जो है वो ऑक्सीडेशन से होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हम ऑक्सीजन है, स्कूल में जाते थे तो हम समझते थे ऑक्सीजन की जो केमिकल फॉर्मेशन है वो O2 है, बहुत हम सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग जानते हैं। जनरली क्या होता है, जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता तो वो O2 ब्रेक होके सिंगल O में रह जाता है, जो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट के जो सिंगल ऑक्सीजन, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है दोस्तों वो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है। नोनी जूस उस ऑक्सीडेशन को ब्रेक करके उसको दोबारा से O2 में कन्वर्ट करती है। इस तरह से हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ये काम करता है। सो दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि ये एज इम्यूनिटी बूस्टिंग काम करता है। दोस्तों ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना की बातें चल रही हैं, पैंडेमिक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं बच सकते हैं। ये बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कोरोना ही नहीं, और भी बहुत 100,000 बीमारियां हैं जिससे ये हमें बचा सकता है रेगुलर यूज करने से। दोस्तों ये हमें सेल रिजुविनेशन, जो सेल हमारी बॉडी में डेड हो चुके हैं, इनएक्टिव हैं, उसको प्रॉपर दोबारा से रिजुविनेट करता है, उसको प्रॉपर रिजुविनेशन में लेकर आता है, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट टॉक्सिक एक्सचेंज, जो कि टॉक्सिन्स का लेवल है, उसको कम करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट है अगेंस्ट फ्री रेडिकल, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे, एंड बॉडी को ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड शुगर लेवल को ये सेटिंग में लेकर आता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पेट, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि 80% इम्यूनिटी हमारे कोलोन से है, COLON, ये लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, COLON, कोलोन जो है उसमें से जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो कोलोन हेल्थ है, ये डिफाइन कर सकते हैं हम, इस ये हमारा स्टमक है, इसको ये इम्प्रूव करता है। दोस्तों नोनी जूस पीने के 6 फायदे, सबसे मेजर जो फायदे हैं, सबसे पहला बेहतर पाचन, मैंने आपको बोला है दोस्तों 80% हमारी जो इम्यूनिटी गट से है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बेहतर पाचन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है ये। हमारे जो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का भी क्षमता रखता है। एथलेटिक जो एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको ये और हाई पावर एथलेटिक एबिलिटी देता है, उनको प्रदर्शन करने का हेल्प करता है। तो अच्छा, स्किन हेयर नेल, उसमें भी ये बहुत कारगर है दोस्तों, एंड हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य की इम्यूनिटी एंड फिजिकल, जो हमने बात की है कि फिजिकल हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों मेंटल स्ट्रेंथ हमें भगवत गीता और हमारा जो बुक्स हैं वो देती हैं, वो देती है हनुमान चालीसा, भगवत गीता, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ हमें जो प्रोवाइड करेगा वो देगा हमारे ह्योमा के जो प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें जो मेजर प्रोडक्ट वो है नोनी जूस। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम करना चाहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कि इसको पीना कैसा है। अब दोस्तों इसको पीना ऐसे है कि हमारे को सुबह उठते ही, आपको पता है कि आप चाय पीते हैं, आपको कुछ खाना है, बिस्किट खाना है, फ्रूट खाना है, आपका जो रूटीन है, उन सब से आधा घंटा पहले आपने इसको लेना है। आधा घंटा पहले आप नोनी जूस को पेट में जाके कोलोन, COLON, जिसको मैंने डिफाइन किया अभी, वहां जाके उसको काम करने का 30 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ देता हूँ, आप लोग ही हमें उत्साहित करते हैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इस प्रोडक्ट को बेच के, एंड इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इस प्रोडक्ट को यूज करके, तो आप लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है। तो 30 मिनट कोलोन में इसको जाके रहने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, आप अपना एक्टिविटी करिए, थोड़ा घूमिए, सैर करिए, एंड 30 मिनट के बाद कुछ खाइए। दोस्तों इसको लेने का एक प्रक्रिया बनाया रखा है, ये बनाना इसलिए पड़ा है क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रायल, जब हमने शुरुआत में प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की थी, तो हमें रियलाइज हुआ था कि जब हम प्रोडक्ट को 15 ml या 30 ml किसी भी बंदे को दे रहे हैं, या किसी भी हेल्दी लोगों को भी देते हैं, तो वो
एक पेट लूज होने की समस्या बता रहे थे, तो वो इमीडिएटली वो पेट लूज होना बेसिकली आपका टॉक्सिन क्लियर हो रहा है, बट जब आप आपका पेट लूज होगा तो आपको लगेगा जैसे आप कहीं बीमार हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, उसको ब्रेक करने के लिए हमने इसमें जो है तीन फेजेस में डिवाइड किया है। पहले 3 दिन 5 ml दो टाइम, सुबह उठने से पहले 30 मिनट उठने से पहले 5 ml लीजिए, एंड शाम को डिनर या एल्कोहल पीने से 30 मिनट पहले। मैं एल्कोहल का नाम भी साथ में ले रहा हूँ, आप एल्कोहल पीते हैं लिवर में इंपैक्ट करता है, नोनी पी रहे हैं लिवर में जा रहा है, प्लीज इसका रिलेशन है। पहले नोनी को अपना काम करने दीजिए, फिर आप अपना जो एक 15 ml 30 ml 60 ml जो आपको ठीक लगता है वो आप लीजिए। उसी तरह खाना खाने से भी आप कहीं ना कहीं 30 मिनट पहले नोनी जूस को लीजिए, पहले 3 दिन के लिए 5 ml, चौथा पांचवा छठा दिन 10 ml, 10 ml सुबह 10 ml शाम को 30 मिनट पहले दोस्तों, और सातवें दिन मतलब एक हफ्ते के बाद 15 से 30 ml, 15 ml से शुरू करके 30 ml तक आप दो बार लीजिए। मैं श्योरिटी देता हूं आपको ना इसकी लूज होने का प्रॉब्लम आएगा और ना ही आपको कोई और समस्या आएगी, आपका ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी और उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएंगे, इसका यूजेज है दोस्तों। शरीर की एक बेहतरीन एक बोलते हैं कि ओवरऑलिंग के लिए या स्ट्रक्चरिंग के लिए हम कहते हैं कि इसको मिनिमम से मिनिमम 6 से 12 महीने हर रोज दो बार यूज करें, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप पूरी जिंदगी पूरी उम्र भी इसको अपना सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट लंबे टाइम के लिए चाहिए तो मिनिमम 6 से 12 महीने के लिए यूज करिए। एंड ये जो जैसा है अपना नोनी जूस है, ये हम 6 वर्ष 6 साल के चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है लड़का है लड़की है डजंट मैटर, हम 6 साल से जितने बड़े हैं उन सबको दे सकते हैं। 6 साल से 12 साल के जितने बच्चे हैं, 6 साल से 12 साल के, उनको डोज जो है वो आधी कर दीजिए। ये तरीका है, सिंपल तरीका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लीजिए, फूड सप्लीमेंट लीजिए, कोई भी आप चीज लीजिए, जब आप प्रॉपर उसको पानी प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉडी आपकी बहुत सक्षम तरीके से उससे लड़ेगी और उसको लड़ने का मौका देगी। तो बहुत 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 पानी पीजिए हर रोज, रोज बहुत पानी पीजिए, रेगुलर वे में आप बहुत पानी पीजिए, वो हम आपको सलाह देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो प्रेग्नेंट जो माँ बनने वाली औरतें हैं और जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो हमारे भाई मित्र हैं, जो हमारे डाउन द लाइन जितने मित्र हैं, जो मेडिकल कंडीशन से अगर किसी से सफर कर रहे हैं, तो वो एक बार अपने जो फिजिशियन हैं उनसे ये प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर लें, कि क्योंकि हर बंदे की जो फिजिकल कंडीशन है वो वेरी करती है, वो अलग होती है। इस चक्कर में हम नहीं चाहते कि आपको जो भी कोई बंदा जो कि थोड़ा स्पेशल मेडिकल कंडीशन में है उसको थोड़ा सा आप अपने फिजिशियन से एक बार बात कर लीजिए दोस्तों। डायसेंट्री में जब हमारा पेट लूज है, डायसेंट्री हो या वो स्थिति हो, तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा आप गैप दे सकते हैं। 6 साल से ऊपर बच्चों को हम ये रिकमेंडेशन देते हैं, एंड जो भी हम ये आपको बोल रहे हैं ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो नोनी जूस के बारे में, नोनी जूस के बारे में बहुत ही क्रिस्प वे में और बहुत ही शॉर्ट वे में मेरे को जो लगा कि आप लोगों तक नॉलेज देनी चाहिए, जो आपको समझना और आपको समझाना जरूरी है, वो हम दे चुके हैं। बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की दोस्तों, रीलोड। अब ये रीलोड जो प्रोडक्ट है ये एक स्पोर्ट्स पर्सन का प्रोडक्ट है, जनरल यूजर्स का प्रोडक्ट है, और मेजरली ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट है। नंबर 1, इमीडिएट एनर्जी देता है। नंबर 2, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन है। और नंबर 3, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो एकदम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को सेट करते हुए बनाया गया है। तो 3 चीजें, नंबर 1, ये बहुत ज्यादा इमीडिएट एनर्जी का सोर्स है। इमीडिएट एनर्जी, बॉडी में थकान लग रही है, धूप है, गर्मी है, मौसम गर्मियों का सीजन चल रहा है, थकान हो जाती है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी माँ किचन में काम कर रही है, उनको एकदम से गर्मी लगी एंड रिकवरी चाहिए, मतलब कुछ चाहिए कि ऐसे एक सेकंड के अंदर उनको उठना है, दिस इज द वे। रीलोड दीजिए, रीलोड से इमीडिएट एनर्जी उनकी वापस आएगी। आप इस जो हमने आर्टवर्क क्रिएट किया है उसमें भी देखिए एक बैटरी लगाई है, बैटरी मतलब एकदम फुल चार्ज, जैसे ही रीलोड हमारी बॉडी में गया एकदम फुल चार्ज हो गया,
सो ये प्रोडक्ट बेसिकली फुल चार्ज करने के लिए है, ये आपका एक चार्जर पॉइंट है, वो चार्जर पॉइंट आपने अंदर डाला है एंड देन फुल एकदम इंस्टेंट। सो दोस्तों ये रीलोड हमारा प्रोडक्ट है। दोस्तों एक सर्विंग, एक चम्मच जो कि इसके अंदर डाला गया है पहले से, उसके अंदर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये गुड कार्बोहाइड्रेट है, ये बॉडी में फैट नहीं करेंगे, ये एनर्जी देंगे एंड मूव आउट कर जाएंगे, ये साइंटिफिक प्रोडक्ट है दोस्तों। तो आपका जो मसल का सेल है, मसल का बॉडी, जो जनरली हम बॉडी बोल देते हैं जिसको, उसको इमीडिएट एक एक्शन में लेकर आओ। दोस्तों मैंने ये बोला है कि ये एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है, इसको यूएस स्टैंडर्ड से किया गया है, इसलिए आप ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे दे रखा है कि ये 3:5:1 रेशियो सोडियम क्लोराइड नमक और पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हम नमक बोल देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हम जानते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का 3:5:1 रेशियो में बनाया गया है। इसके आगे मैं और बताना नहीं चाहता क्योंकि वो साइंटिफिक बातें हो जाएंगी, बट जितना है वो ये है कि ये 3:5:1 रेशियो में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स करके 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है और इमीडिएट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसको हम सोडियम एंड पोटेशियम बोलते हैं, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपको हाइड्रेशन, मतलब कि आपके बॉडी में, शरीर में जो पानी की कमी है और जो एनर्जी की कमी है, इमीडिएट उसको दूर करता है। ये इंस्टेंट हाइड्रेशन के लिए है, वर्कआउट करिए, काम करिए, बच्चा खेल के आया है उसको जो भी ये प्रोडक्ट, मतलब उस टाइम उसको जरूरी है वो ये है कि ये प्रोडक्ट इमीडिएटली एक ग्लास लीजिए, 300 ml 350 ml पानी भर के ठंडा पानी लीजिए, उसमें इसको एक चम्मच डालिए, मिक्स करिए एंड स्वादिष्ट अपने बच्चे को ये आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। टेस्ट की गारंटी है, ये ऑरेंज फ्लेवर में लॉन्च किया है हमने ह्योमा में, एंड दिस प्रोडक्ट इज सुपर्ब इन टेस्ट। इसको टेस्ट को क्योंकि बच्चों को देना है तो ये हमने टेस्ट को बहुत मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट बनाया है। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, एंड सबसे बड़ी बात, इसको पीने के बाद आपको स्टमक में, पेट में कोई प्रॉब्लम आने की 1% चांस नहीं है। सो इट इज वेरी जेंटल ऑन द स्टमक, इट इज वेरी गुड फॉर स्टमक, मतलब एकदम आपको डाइजेशन में बहुत अच्छा है। दोस्तों साइंटिफिक सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से नहीं बना, साइंटिफिक बना है ये PC-AA जिसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो कि हमारी प्रोटीन की फॉर्म होता है, एंड ग्लूटामीन। इस प्रोडक्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ BCAA एंड ग्लूटामीन भी ऐड किया है, जो कि आपको इमीडिएट एनर्जी देता है, एंड वो जो एनर्जी है वो एक ग्राफ नहीं है, ये एक ऐसे पीक होके नहीं जाता दोस्तों, वो पीक बनता है एंड देन उसको सस्टेन रखता है, जो वो सस्टेन रखता है वो काम है हमारा BCAA और ग्लूटामीन का। तो ये चीज बहुत समझने वाली है कि जनरली क्या होता है, एनर्जी ड्रिंक्स में पीक आती है हमारी बॉडी में, पिया एनर्जी बढ़ी एंड देन आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों के बाद हमारी जो बॉडी है उसको एकदम से लो कर देती है, हमारी बॉडी में से वो जो एनर्जी है वो कम होने लग जाती है। बट हमारा जो ये ह्यूमा रीलोड इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्ट है दोस्तों, उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें हमने BCAA और ग्लूटामीन एक साइंटिफिक फॉर्म में बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है, एंड द बेस्ट पार्ट ये हर बच्चे से लेके बुजुर्ग पी सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर में हमने इसको डेवलप किया है दोस्तों। तो बेसिकली इसमें यही समझा रहे हैं हम कि ये जो प्रोडक्ट है ये इमीडिएट एनर्जी, कोई भी एक्टिविटी करें, बच्चा आपका भाग रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, रनर है, आपके किचन में काम करती हुई कोई भी आपकी बहन है, बीवी है, आपकी बच्ची है, या आप खुद जो ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में मेंटल स्ट्रेस के बाद और एक कुर्सी के बैठने के बाद आप में भी शरीर का जो एक एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है, और ये बहुत रेगुलरली होता है। घर जाइए, एक चम्मच इस प्रोडक्ट का लिए एंड आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए दोबारा से उसी एनर्जी के साथ आप घर में वापस घुसेंगे सर, ये गारंटी के साथ। सिमिलरली हमारा जो एथलीट्स हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत 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 प्यारा प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में हाइड्रेशन बहुत अच्छी लेकर आता है, एंड देन उसके बाद ये रिकवरी के लिए, एथलीट पर्सन के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, जिम जाने वालों के लिए, जिम गए आपने पसीना बहाया और आपको इमीडिएट एनर्जी चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि डू नॉट
डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंजेस जितने हैं लाइफ में उसको पूरा करें, चैलेंज योर लिमिट्स, लिमिट्स को आप चैलेंज करें एंड ये प्रोडक्ट यूज करें. सो दिस इज द एक हम इसको स्लोगन दे रहे हैं कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स विद रीलोड एनर्जी. सो एनर्जी के माध्यम से ये है. तो क्या करता है रिप्लेनिश एनर्जी, एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एंड पोटेशियम है दोस्तों इसमें, वो भूलिए नहीं. तो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में जो रिक्वायर है उसको ये रीस्टोर कर रहा है, बॉडी में लेकर आ रहा है, हमारी बॉडी में रिकवरी लेकर आ रहा है वापस. दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट, ह्यूमन रीलोड इंस्टेंट एनर्जी. दोस्तों इसको यूज कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि आप एक टीम है, यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट हैं, या आपके आने जो आपके आगे जो यार दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो फैमिली फ्रेंड हैं, उसमें कोई भी ऐसा बंदा है जो एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम में जा रहा है, और वो एक टीम है, सॉकर की टीम हो सकती है, तो उनके लिए हम बोल रहे हैं कि 7.5 लीटर पानी लीजिए ठंडा, और उसमें ये पूरा 1 किलो पानी मिला के एक शेक करके सारे पी लीजिए. सो दिस इज फॉर ए टीम पैक. और जब आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो 1 चम्मच 350-400 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डेवलप करके 500 ml पानी लेके 1 चम्मच उसमें डालिए एंड उसको मिक्स कीजिए एंड ड्रिंक कर लीजिए. दिस इज द वे टू रीगेन योर एनर्जी. दोस्तों अगला प्रोडक्ट हम बात करेंगे वे प्रोटीन. अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी, सबसे पहले हमने बात की नोनी जूस के बारे में जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वे प्रोटीन. अब बात करेंगे स्ट्रेंथ की, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है वे प्रोटीन. डेली एक्टिविटी में स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, वे प्रोटीन. इम्यूनिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, तो ये 3 मेजर टॉपिक्स को हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते थे दोस्तों. वे प्रोटीन, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो वे प्रोटीन है ह्यूमा का, वो हम 1 kg की पैक में लेकर आ रहे हैं एंड मैंगो फ्लेवर में आपको दिया है. आप सब जानते हैं, आप लोगों का प्रोडक्ट है, आप बहुत अच्छा इस पे सेल कर रहे हैं. दोस्तों सबसे बड़ी चीज, ये लोगो आप देख सकते हैं, मेड इन USA का. तो नोनी हम फिजी से ले रहे हैं दोस्तों, और प्रोटीन जो बेस है हम USA से इंपोर्ट कर रहे हैं. दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं वे प्रोटीन होता क्या है. वे प्रोटीन, जो दूध में जो प्रोटीन है उसको हम वे प्रोटीन बोलते हैं. इसको प्रोसेस ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक फीड, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से जो घास खिलाई जाती है, इसमें दोस्तों बहुत साइंटिफिक चीज है कि ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए, नहीं तो वो जो हमारे को रिजल्ट मिलेगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा. सो जो हमें जो अपना ग्रास है या जो भी हम गाय को चारा डाल रहे हैं वो ऑर्गेनिक डालते हैं, ठीक है. नंबर 2, जो उसमें से दूध निकलता है वो हम अपने प्लांट तक लेके जाते हैं, प्लांट में उसका प्रॉपर सेटअप होता है, उसका चीज बनता है, एक चीज जिसको हम घर में भी यूज करते हैं. चीज का जो पानी निकलता है, जो वेस्टेज होती है चीज बनने के बाद, जो पानी बचता है उसमें से हम निकालते हैं प्रोटीन, वो 100% वे प्रोटीन है. तो दोस्तों इस जरिए से एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये एक दूध का बहुत बड़ा उत्पाद है, एक बहुत बड़ा हमारा इंग्रेडिएंट है दूध में से निकाला गया वे प्रोटीन. तो वे इसलिए क्योंकि वो दूध से निकला है, ये आप लोगों के लिए है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो है, जो इसका बेस है, जो सोर्स है हमारा प्रोटीन का, वो हम USA से इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों. दोस्तों इसके फायदे क्या क्या हैं, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो प्रोटीन है उसका 70 से 80% अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन कंटेंट हमारी बॉडी में जा रहा है. नंबर 2, ये रिकवरी, वर्कआउट करने के बाद या आप डेली वर्किंग जो भी आप करते हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, चाहे आप सैर कर रहे हैं, थोड़ी रनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, रनिंग अपना एथलीट हैं, आपकी वाइफ वॉकिंग पे जा रही है, उनको रिकवरी की बहुत जरूरत है, वो जरूरत ताकि अपना शरीर एक स्वस्थ रहे और एक जिसको तंदुरुस्त शरीर बोलेंगे उसको पूरा करने के लिए ये वे प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. BCA और BCA जो है प्रोटीन का भाग है सबसे बड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया है. तो BCA इसमें सबसे ज्यादा है, इसेंशियल अमीनो एसिड, ब्रांच इन अमीनो एसिड्स, EAA, अमीनो एसिड से भरपूर हमारा वे प्रोटीन है. डाइजेशन में हमारी
कभी कमी नहीं आएगी, कभी कभी कंप्लेंट आती है मार्केट से कि जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, बट हमने इसमें एंजाइम्स डाले हैं, हमने इसमें हर्ब्स डाली हैं जो कि इसको ब्लेंड करके हमारे पेट के अंदर कभी भी कमी नहीं रहने देते। हर्ब्स मेजरली इसको डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करती है। दोस्तों इसको यूजेज कैसा है? यूजेज है कि आप दिन में 1 से 3 बार इस प्रोटीन को ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस या बहुत ज्यादा जिसको हम बोल सकते हैं कि भारी भरकम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या आपका बहुत ज्यादा ऐसा काम नहीं है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, तो 1 चम्मच पानी या दूध के साथ। और अगर आप रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं या अपनी बॉडी को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, योगा करते हैं, तो आप 1 से 3 चम्मच मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग इस रेशियो में लीजिए। मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून दोपहर, इवनिंग शाम, ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके 1-1 चम्मच ले लीजिए। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो 1 चम्मच आप किसी भी टाइम या सुबह जनरली इवनिंग में लीजिए ताकि आपका शरीर जो है थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करे अच्छे से। लास्ट प्रोडक्ट आज का जिसको हम डिफाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं वेट गेनर। नाम से ही बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है भार बढ़ाने में और शरीर को भरने में बहुत हेल्पफुल है। तो एक छोटा सा ये एड क्रिएट किया है हमने जिसमें हमने बोला है कि दुबलापन बहुत हुआ अब बस, क्योंकि अब मेरे साथ है सेफ शॉप ह्योमा वेट गेनर। सो ये जो हमने एडवर्टाइजमेंट रेडी की है ये बहुत ही एकदम स्पेसिफिक है कि हमारा बॉडी में ये 4th प्रोडक्ट है दोस्तों। हमारे बॉडी में कई कई लोग हैं, हमारे मित्र भाई बहुत जनरली हर परिवार में 1 से 2 बंदे हैं जिसको दुबलापन रहता है या वेट जो शरीर है वो बहुत दिखने में थोड़ा सा ढीला रहता है या लगता है कि यार इसको अभी कुछ खाने की जरूरत है, तो ये इमीडिएट और इंस्टेंट उसको भरने के लिए, शरीर को भरने के लिए साइंटिफिक बेस से बिना इसमें कोई वो बैंड इंग्रेडिएंट यूज किया एकदम हर्बल प्रोडक्ट आपको ह्योमा लेकर आया है वेट गेनर के नाम पे। तो दोस्तों ये हमारा 1 kg पैक में है। सबसे बड़ी बात है इसमें सोया प्रोटीन है, सोया से निकला हुआ प्रोटीन है, हर्ब्स डले हुए हैं एंड कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट से ये भरपूर प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट की डिटेल आपसे बारे बात करें तो इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो भी हर्बल आयुर्वेदा ने हमें जो स्टडी के दौरान बताया कि उससे वेट बढ़ता है। जैसे नारियल, नारियल जानते हैं हम, उसका हमने पाउडर बनाया और उसको यूज किया। पपीता हर बंदा जानता है, सफेद कद्दू, शंख पुष्पी, आंवला, सफेद मुसली, छोटा गोखरू। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स हम जनरली एज इट इज नहीं खा सकते, बट हमने क्या किया है इन सब प्रोडक्ट्स को पाउडर फॉर्म में इनमें से बेस्ट निकाल के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ ऐड करके बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर में डाल के आप तक पहुंचाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस इमेज में एक बॉडी बिल्डर है जिसकी बॉडी एकदम स्पेसिफिक है, बहुत प्यारी बॉडी है। तो ये लगाने का यही था कि अगर दुबलेपन है तो इस तरह की बॉडी पाने के लिए वो देखिए आप जिम कर रहा है एंड सेकेंडली वो उसकी बॉडी एकदम स्पेसिफिक है। तो आपको राइट गेनिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई कई बार हम कुछ गेनर खाने के बाद बहुत कभी पेट बढ़ जाता है, कभी मुंह भर जाता है, कभी शोल्डर बढ़ जाते हैं, वो साइंटिफिक प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। दिस इज 100% साइंटिफिकली स्टडी करके हमने प्रोडक्ट रेडी किया है। नंबर 2, ये कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं है इसमें, ये एकदम आयुर्वेदिक आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से अप्रूव किया हुआ प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत मेजर है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। आगे बात करते हैं कि अगर आप थिन हैं, स्किनी हैं, माचिस की तीली जिसको बोलते हैं, या बात करें कि आप किसी करियर में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, हमारे आर्मी वाले बहुत स्पेसिफिक हैं कि शरीर एकदम बढ़िया होना चाहिए, तो उन सब उस टाइम पे हमारे को ये प्रोडक्ट की जरूरत है दोस्तों। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? वेट गेन जो है मेड इजी, वेट गेन जो है आपको बहुत ही आसानी से आपका वेट गेन हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एक्टिविटी बढ़ाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है इसमें तो आपको एनर्जी देगा। नंबर 2, इम्यूनिटी है, कैसे? आपका हर्बल जो प्रोडक्ट्स इसमें डाला है, तो एक्टिविटी बढ़ाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, दोनों चीजों में हेल्प करता है।
इसमें इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, हमने दूध यूज किया है, हमने डेक्सट्रोज जो कि शुगर का ही एक फॉर्म होता है, सोया प्रोटीन है, नारियल, पपीता, सफेद कद्दू, शंखपुष्पी, आमला, सफेद मुसली और छोटा गोखरू, इन सब का कॉम्बिनेशन से आपका ह्यूमा वेट गेनर को रेडी किया है दोस्तों। इसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है, ये लास्ट स्लाइड है हमारी एंड इसके बाद वी विल क्लोज आज का हमारा जो चार प्रोडक्ट्स हमने डिफाइन किए हैं। तो इसको यूज करने का तरीका है कि दिन में, एक दिन में चम्मच है इसमें, दो या तीन चम्मच, इसको और बेहतरीन तरीके से आपको यूज करने का मैं बात करता हूँ, एक ग्लास में या एक मिक्सर में एक ग्लास दूध डालिए, एक चम्मच अपना वेट गेनर डालिए या दो चम्मच मैक्सिमम वेट गेनर डालिए, एक केला डालिए, फिर उसके बाद उसके अंदर अगर पॉसिबिलिटी हो तो पीनट बटर डालिए और चार चीजें डालिए जो कि अपना प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली न्यूट्रिशियस बनाए, वो डालने के बाद मिक्सी में घुमाइए एंड आई एम श्योर कि आप उसको बहुत ही अच्छे से टेस्टफुली इसको यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही आप तक करेंगे ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप लोगों का हर प्रोडक्ट की एक वैल्यू रखें और हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है ये आप समझिए। मैं आप लोगों का टाइम देने के लिए, आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे एंड हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए मैं राजीव चतुर्वेदी सर जो हमारे गुरुजी हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आइए और ये स्टेज संभाले सर, अपना ऑनलाइन पोर्टल संभाले सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद भोर मास्कर जी, आपने जिस तरीके से आज हमें ट्रेन किया है, जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ही पावरफुल है। मेरे ख्याल से हम लोग इन प्रोडक्ट्स का उपयोग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन ये इतने ज्यादा लाभदायक है इसकी जानकारी हम में से शायद ही किसी को, क्योंकि जो विस्तृत जानकारी आपने दी, इसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी, ये बताया कि ये आयुर्वेदिक है, तो जब आयुर्वेदिक है तो वैसे भी इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। ये इन प्रोडक्ट्स के जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही हमारा विश्वास बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है, पहले से विश्वास था लेकिन विश्वास और बढ़ गया है, और यदि हमारा विश्वास बढ़ गया है तो आप ये मान के चलिए कि हम इन प्रोडक्ट्स को विश्वास के साथ यूज कर पाएंगे, ज्यादा यूज करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इनका आप युद्ध स्तर पर प्रोडक्शन की तैयारी कर लीजिए इनकी, क्योंकि अब हमारे शेर अपनी ताकत को और ज्यादा अच्छी तरीके से पहचान गए हैं, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से इसका प्रमोशन करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे। युद्ध की मैंने बात की तो युद्ध से मुझे एक जोक याद आ गया, बहुत पुराना जोक है, भारत पाक युद्ध की बात है 1971 की। 1971 में जब हमारे योद्धाओं ने पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनमें उनकी कमी हो गई वहां पर, लेकिन उनको सप्लाईज तो मिल रही थी अमेरिका से लड़ाकू हवाई जहाजों की, तो याह्या खान साहब ने क्या किया कि कुछ अनस्किल्ड लोगों को भी पायलट्स के रूप में भर्ती कर लिया और उनकी ट्रेनिंग देने के बाद उनसे पूछा कि कोई सवाल है क्या आपका, तो एक आदमी ने डरते डरते हाथ उठाया और पूछा कि ये बताइए कि आपने सब तो सिखा दिया लेकिन ये नहीं बताया कि इसको उतारेंगे कैसे हवाई जहाज को, तो याह्या खान साहब ने बड़ी बेफिक्री से बोला कि उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भारतीय सेना है वो आपको वैसे ही गन डाउन कर लेगी, वैसे ही वो आपको उतार लेगी, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों लेकिन हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में और फिर सेफ शॉप में, जहाँ पे जहाज को उड़ाना भी सिखाया जाता है और फतह करने के बाद कैसे उतारा जाए ये भी सिखाया जाता है, और वो काम बखूबी आज आपने किया है। हम बहुत खुश हैं कि जो आज आपने ट्रेनिंग दी है। हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम कोई पोषक खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से जो हम चीजें खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स या जो भी, तो उससे हमको लाभ तो मिलता है लेकिन उसकी क्वालिटीज को समझकर यदि हम सही मात्रा में लें तो जानकारी से प्राप्त जो हमको विश्वास, जो विश्वास प्राप्त होता है उसके कारण उसका असर भी हमें जल्दी होता है। इस तरह जब हम किसी को जानकारी देते हैं और पूरी जानकारी देते हैं तो उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एक शपथ लेनी होगी। मैं जो लोग आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं मैं उनसे चाह रहा हूं कि वो भी एक शपथ लें, हम सब एक शपथ लें, क्योंकि सारे के सारे हम लोग सेफ शॉप के एसोसिएट हैं, सेफ शॉप पे विश्वास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको एक शपथ लेनी है कि जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी में उपलब्ध है, जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी हमें देती है, उसके विकल्प यदि मार्केट में उपलब्ध भी हैं
तो हम उन विकल्पों का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स का ही उपयोग करेंगे। इसका बहुत फायदे हैं, एक तो हमें ओनरशिप की फीलिंग है, हमारी कंपनी है, मेरी कंपनी है, और जब हम मेरी कंपनी की बात करते हैं तो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मैं ही इस्तेमाल करूंगा। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे आपकी टीम भी बढ़ेगी, और जब टीम बढ़ जाएगी तो आपकी आय भी बढ़ेगी। आय किस तरीके से हो सकती है? उदाहरण के लिए यदि हमारी टीम के 1000 साथी, केवल 1000 साथी हर महीने यदि औसत 50 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि हमारे 1000 साथी हर महीने यदि 50 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो कुल 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की बिक्री होती है। और यदि ये दोनों टीमों में बराबरी से हुई है तो उस महीने में 25,00,000 रुपए की हमारी आय भी होती है, केवल 1000 लोगों को प्रमोट करने पे। और यदि ये 10,000 लोगों को प्रमोट किया तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा आपकी आय होती जाएगी, और कंपनी के जो प्रमोशन के रूल्स हैं, जो बिक्री के रूल्स हैं, उसके मुताबिक आपको इनकम भी होती जाएगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि केवल आना ही काफी नहीं है, केवल इसके बारे में गाना ही काफी नहीं है, इसको कंज्यूम करना भी जरूरी है, यानी पहले खर्चा करना है और फिर उसकी चर्चा करना है। और बचपन से हम लोग ये काम करते चले आ रहे हैं, हम बचपन से चॉकलेट लेते थे और अपने दोस्तों को दिखाते थे खाने के पहले, वही काम हमको यहाँ पे करना है। बड़ी बेसिक चीज है, लेकिन ये करना भी जरूरी है, और यदि करेंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल बढ़ेगा और उससे हमारी आय भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। दोस्तों, सेफ शॉप के रूप में हमें गर्व है कि हम सेफ शॉप में हैं। सेफ शॉप के रूप में इतना एक शानदार अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हमारे डायरेक्टर हरीश सोंधी जी, रजत वर्मा जी, राज आनंद जी, सिद्धार्थ सहगल जी और राजपाल अरोरा जी, हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी में एक शानदार बदलाव करने का हमें अवसर दिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग राजू आनंद जी आज हमारे साथ में हैं। राजू आनंद जी एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग है और हम लोग उनसे अक्सर प्रेरणा लेते रहते हैं, तो आज मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और आज की सफल मीटिंग की क्लोजिंग भी करें। एक बार भुवन भास्कर जी, आपको फिर से धन्यवाद, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डायरेक्टर मार्केटिंग राजू आनंद जी को। प्लीज वेलकम राजू आनंद जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वेबिनार में, सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे सेफ शॉप परिवार का जिन्होंने इस वेबिनार को इतना कामयाब बनाया। वो जो ये श्रृंखला हमने शुरू करी है प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, भुवन भास्कर जी ने डिविनिटी हेल्थ केयर के जो आज हमें इतनी कंप्लीट नॉलेज दी हमारे प्रोडक्ट्स की, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनका कि इन्होंने इतने शानदार प्रोडक्ट्स हमारे लिए डेवलप किए हैं, तैयार किए हैं, जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी भी हैं। जैसे आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की जा रही है इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, जो आज नॉलेज मुझे भी इनके थ्रू मिली है, डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। हम ये प्रोडक्ट सभी अपना सेफ शॉप परिवार में, ये प्रोडक्ट्स जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, हम खुद इन्हें कंज्यूम करें, और जो नॉलेज हमें इन प्रोडक्ट्स की मिली है वो हम अपने पूरे नेटवर्क में उसको डुप्लीकेट करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं इनके कितने फ़ायदे हैं। आज सभी यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं, राजीव चतुर्वेदी जी, विजय पाल जी, संजय जैन जी, मेरे डायरेक्टर्स हरीश सोंधी जी, राजपाल जी, सिद्धार्थ जी, भुवन भास्कर जी जिन्होंने इतनी कंप्लीट नॉलेज दी, माधव सिंह जी, जसवीर जी, सुनील मान जी, हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला, मैं आप सभी से यही चाहूँगा, सिद्धार्थ सहगल जी, कि ये जितना हमारा जो आज हमें नॉलेज मिली है, हम इसको हमेशा हर वीक जितनी प्रोडक्ट की नॉलेज है हम इसको डुप्लीकेट करें, और बाकी जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं हम हर वीक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जरिए पूरे नेटवर्क में, पूरे सेफ शॉप परिवार में हर इंसान को इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसे कैपेबल बनाएं। और राजीव चतुर्वेदी जी ने आज बहुत ही बढ़िया बात कही कि आज जो प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमें खुद उन्हें यूज करें। अब
जब हम खुद यूज़ करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं, हमारे पास एंडलेस टेस्टिमनीज हैं हमारे होमा प्रोडक्ट्स की। तो ये वेबिनार आगे भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जारी रहेगा। थैंक यू सेफ शॉप परिवार, थैंक यू वंस अगेन, लव यू ऑल, जय हो, थैंक यू।